इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ अम्मी। आप उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा देती रही, जबकि आप देख रही थी कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, फिर भी मेरी तकलीफों में मजीद इजाफा कर रही थी अम्मी। आप पहले दिन से हकीकत जानती थी ना अम्मी, तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं दिया कि हम मां को इंसाफ दिलाने से ज्यादा आपको वासे अहमद का पैसा अजीज है। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है, ऐसी बात नहीं है तो आप अपने बेटे के हक में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या औलाद से वही होती है जो जिंदा हो? मरने वाले से सारे रिश्ते खत्म हो जाते इंसान के। तो भाई भाई इसकी जबान क्यों नहीं कोई खींच लेता? आप खामोश रहिए। मैं किसी भी सूरत अपने शोहर के खून से आपको मुस्तकबिल सवारने नहीं दूंगी, सुना? आप लोग इसकी बकवास सुन रहे? वो हरत बोल रही है जो खुद अपने शोहर की कातिल की बीवी के पैसों पे अय्याशा करके आई और मुझ पे उंगलियां उठाएगी। ठीक कहा आपने, एक बार फिर बहुत बड़ी गलती होगी पहचानने में। खुदा की कसम अगर एक बार भी पता होता ना वो मेरी मोह से नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है, उस घर का नमक ना खाती। तुम्हारा नमक तो यहाँ पर भी खत्म हो गया है, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। एक मिनट, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उस छत के नीचे रहना नहीं चाहती जहाँ हम मां के कत्ल के सौदागर रहते हो। ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, खुदा की जमीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। अरे जाने दे अम्मा, जाने दे, दो दिन सड़क पे धक्के खाएगी ना, सारी अकड़ निकलेगी इसकी। लगाम दो तुम अपनी जबान को। देखो बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसी बात का तो रोना है अम्मी, सबसे ज्यादा भरोसा आप पे ही था मुझे। आपने धोखा दिया। मैं मानती हूं बेटा, मैं ममता के हाथों मजबूर हो गई थी। क्यों अम्मी, बेटा आपका वो नहीं था जो बेगुनाह मारा गया? अब आपको मजीद शर्मिंदा करके कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे भी यहां नहीं रहना चाहती। मैं हम्माद के इंसाफ के लिए के घर छोड़ के जा रही हूं।